रहीम अलकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहें तंदुरुस्त और तवाना रहें तो जी दोस्तों और बताएं क्या हो रहा है क्या आप लोगों का दिन कैसा गुजरा मुझे अपने बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मुझे ये बताएँ कि गर्मी और बरसात का मौसम है बारिश खूब हो रही है तो ज़रा मुझे बताएं कि क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हो बारिश वाला मौसम और मेरे भी लोग आप लोगों ने देखे तो कैसे लगे आप लोगों को प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे भी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है तो आज मैंने आप लोगों से ये वाली बात करनी थी कि देखें हम लोग पांच वक्त नमाज जो है ना वो डेली पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कभी है कोई छूट जाती है कोई कज़ा हो जाती है तो आ, तो जो छूट जाती है नमाज उसको कज़ा पढ़ लें लेकिन मुकम्मल तौर पे नमाज को मत छोड़िएगा कभी भी क्योंकि नमाज़ के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है और देखें पांच वक़्त जो हम नमाज़ पढ़ते हैं पांच वक्त उसके लिए हम पांच वक्त वज़ू भी करते हैं तो मैं आज आप लोगों से एक छोटी सी जो है ना वो उसका हदीस है उसका मफूम जो है ना वो आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और एक दो सेकेंड की बात है और हम लोग कितनी ज़्यादा नकियाँ कमा लेंगे इन दो तीन सेकेंड के लिए तो आप लोगों ने बस ध्यान से मेरी बात सुननी है वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वजू हम लोग पांच टाइम नमाज पढ़ते हैं मैं मफहम मैं जो है ना वो बता रही हूँ आप लोगों को हदीस का तो आ, कि पांच वक्त जो नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो पांच वक्त वजू भी हम लोग करते हैं तो पांच वक्त जो वजू करते हैं ना तो सलम ने फरमाया कि जब तुम वजू करो तो बिसम लाही व्हमदिल्ल जो है ना वो पढ़ लिया करो फिर रसूल वसलम ने फरमाया कि जब तुम वजू करो तो बसम व्हमदल्ला कह लिया करो इसका असर ये होगा कि जब तक तुम्हारा वज़ू बाकी रहेगा ना उस वक्त तक फरिश्ते तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे कि जब तक हमारा जो वजू है वो बाकी रहेगा उस वक्त तक जो फरिश्ते हैं वो हमारे लिए नकियाँ लिखते रहेंगे तो दोस्तों ज़रा सोचें कि कितना टाइम लगा है लगाए बसमिल्ला वहमदल्ला वजू के लिए खड़े हुए वजू किया और साथ में ये पढ़ लिया बिस्मिल्ल ही वहमदुल्लि मुझे लगता है दो सेकेंड लगे हैं हमें ये पढ़ने में बसमिल्ल वहमदुल्लि तो जब तक हमारा वज़ू रहेगा ना उस वक्त तक जो फरिश्ते हैं ना वो हमारे लिए नकियाँ लिखते रहेंगे तो ज़रा देखें सोचें कि दो तो सेकंड में हम लोग कितनी नेकियां कमा लेंगे देखिए हम लोग कितना टाइम जो है ना वो और बातों में और चीज़ों में लगा और चीज़ों में और और बातों में हम लोग बहुत टाइम लगा देते हैं तो उस पर हम लोग फजूल में टाइम ज़ाया कर देते हैं देखिए अगर हम लोग अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वो यूट्यूब खोल के बैठे हैं उसकी रील्स लगा लेते हैं तो उन रील्स को हम देखते जाते हैं उसमें हर किस्म की जो है ना वो रील सामने आ जाती है हर किस्म की वीडियो सामने आती है हम लोग देखते हैं हम लोग टाइम लगाते हैं ना उस पर हमने कभी सोचा कि हमारा कितना टाइम उस पर है तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि वज़ू के दौरान अगर हम लोग बसमिल्लि वहमदुल्लि पढ़ लेंगे तो देखिए कितनी नेकी है तो प्लीज़ अब आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि वज़ू के दौरान आपने एक बार बसमल्ला ही वहमदुल्ल बस कहना है और जब तक आपका वज़ू रहेगा फरिश्ते हमारे लिए उस वक्त तक नेकियां लिखते रहेंगे ऐसे फ़जर की नमाज के टाइम पढ़ें फिर जोहर की नमाज के वज़ू के साथ पढ़ें फिर असर की फिर मगरिब की तो ये छोटा सा ये ज़रिया है नकियाँ कमाने का, का ऐसे ईशा की नमाज़ के टाइम पढ़ लें तो हम लोग हमारा अगर रात को वज़ू रहता है अगर हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं और रात तक हमारा वज़ू देखें फ़रिश्ते रात तक हम हमारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे सुबहानल्ला तो बस आप लोगों ने आज की जो मेरी ये बात है ये वो यही है अच्छी बात कि वज़ू के, के दौरान ही पढ़ना है एक बार तो बस आप लोगों से यही बात करनी थी और इसको जहन नशी रखिएगा और खुश रहें और सबको खुश रखें माँ बाप की खिदमत करें और हमेशा जो है ना वो इसतफ़ार करते रहें अपने गुनाहों का और हर काम करने से पहले बिसमिल्ला लाजमी पढ़ें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और एक नई बात के साथ एक अच्छी बात के साथ फिर आपसे मिलूँगी अल्लाह हाफिज